दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनके काम के आधार पर वोट दिया जाए, अगर उन्होंने काम किया है तो जनता उन्हें वोट देगी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपने ही जाल में फंस गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार की पोल खुल गई है। कैसे खुली केजरीवाल के कामों की पोल, देखिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस बात का डंका पीट रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में दिल्ली का विकास किया है। उनके समय स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुई है, अस्पतालों की स्थिति सुधरी है और लोगों को पहले से ज्यादा सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है। लोक नीति शोध केंद्र ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत खराब हो चुकी है और पिछले 5 सालों में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसमें सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार अस्पतालों में केवल 394 नए बेड ही तैयार कर पाई, जबकि सरकार ने एक भी नया प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या डिस्पेंसरी नहीं बनाई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2014 में 1398 डिस्पेंसरी थी, लेकिन साल 2017 में ये घटकर 1298 हो गई हैं। यानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के समय 3 सालों में 100 डिस्पेंसरी कम हो गए। इसी तरह मेटर्निटी होम्स की संख्या में भी कमी आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2015 में दिल्ली सरकार 265 मेटर्निटी होम्स चला रही थी, लेकिन साल 2017 में इसकी संख्या 230 हो गई। इसका मतलब है कि 2 सालों में 35 मेटर्निटी होम्स कम हो गए हैं। इस रिपोर्ट में नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार देश के 7 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली 2 पायदान नीचे फिसलकर 5वें स्थान पर आ गई है। इस रिपोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की पोल खोल दी है। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था में हुए सुधार की बात करते नजर आते हैं। उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने केवल वादे किए और अपने कामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए आक्रामक तरीके से प्रचार किया है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट दिखाई पड़ रही है। पिछले 5 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बेहतर होने के बजाय खराब ही हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कामों के बारे में जानकारी निकल कर आ रही है। उन्होंने पिछले 5 सालों में काम करने का दिखावा किया। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की बातें करने वाली आम आदमी पार्टी को ये बताना चाहिए कि आखिर मेटर्निटी होम्स और डिस्पेंसरी की संख्या कम कैसे हुई। अगर उनके पास इसका जवाब है तो दे, नहीं तो बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दें। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।